नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया अध्यादेश इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें कोरोना महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान करने या उन पर हमला करने के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश हमारे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि यह वार्ता पूरे देश में जारी लॉकडाउन के संबंध में हो सकती है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है जो 3 मई को समाप्त होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस वार्ता में सभी मुख्यमंत्रियों से उनके यहाँ कोरोना वायरस के प्रसार की वस्तुस्थिति जानेंगे। यह वार्ता यह जानने में भी अहम होगी कि क्या लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ाई जाएगी। जनता के मन में इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तैयार रहिए, मई में भी थोड़ी बहुत ढील के साथ लॉकडाउन आगे भी रहेगा जारी। लेकिन अभी भी लॉकडाउन से मुक्ति मिलने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अफसर अभी इसके बारे में कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। अफसरों का भी मानना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी। SCPGI लखनऊ के कोविड-19 सेल के चिकित्सक का अनुमान है कि मई में थोड़ी बहुत ढील के साथ लॉकडाउन जारी रहने के आसार हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक चिकित्सक का कहना है कि लॉकडाउन के सिवाय कोई चारा नहीं था, लेकिन अभी यह स्थिति दिखाई नहीं दे रही कि 3 मई के बाद केंद्र सरकार अचानक लॉकडाउन हटाने का फैसला लेगी। सीएम योगी के सख्त निर्देश, रमजान में कहीं न जुटे भीड़, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया समर्थन। लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही सहरी व इफ्तार के समय कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने देने का कड़े निर्देश दिए हैं। योगी ने लोगों से सहरी व इफ्तार पर घर पर ही रहने की अपील की है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मुख्यमंत्री की अपील का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद DGP हितेश चंद अवस्थी ने रमजान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। DGP ने भी लोगों से रमजान में घरों पर ही नमाज पढ़ने और शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को 5,000 देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिवक्ता हितों को मद्देनजर दो बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने जिले व तहसीलों में 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को बिना किसी परीक्षा ₹5,000 दिए जाने और कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं के इलाज का खर्च प्रदेश सरकार के स्तर से उठाने का ऐलान किया है। पाठक विधान भवन स्थित अपने कार्यालय के बाहर काउंसिल ऑफ UP के सदस्य व न्याय विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा, न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार वकीलों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उनकी समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सोनभद्र के क्वारंटीन सेंटर से दीवार फांद कर झारखंड के 18 लोग फरार। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के संत किनाराम महाविद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर से झारखंड के 18 लोग फरार हो गए हैं। जांच में सामने आया कि 5 दिन पहले ही सभी फरार हो चुके थे। इस बात का खुलासा SDM सदर और CDO सिटी के क्वारंटीन सेंटर में की गई जांच में हुआ है। लखनऊ में युवतियों ने तोड़ा लॉकडाउन, पुलिस के रोकने पर सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस से भिड़ी कार सवार लड़कियां बैरिकेटिंग से झल्लाई थी। माजरा कुछ यूं था। लखनऊ की गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के GMO स्थित कैंसर अस्पताल के पास बैरिकेटिंग से पहले कार सवार 3 युवतियों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के मुताबिक युवतियों को 1090 चौराहे पर बनी बैरिकेटिंग पर रोका गया, लेकिन वह भाग निकली। इस पर वायरलेस सेट पर मैसेज प्रसारित कर उनको रोका गया। वहां कागज दिखाने के दौरान पुलिस से बदसलूकी की, कागज फेंक दिया। वहीं यातायात पुलिस ने भी कार का चालान काट दिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक गौतमपल्ली सतप्रकाश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कार सवार 3 युवतियां 1090 चौराहे पर पहुंची। पुलिस ने उनको रोक लिया। इस पर वह नाराज होकर तेजी से गोल्फ क्लब चौराहे की तरफ कार से भाग निकली। तत्काल वायरलेस सेट से मैसेज भेजा गया। पुलिस ने कैंसर अस्पताल के पास बनी बैरिकेटिंग पर उन्हें रोक लिया।
झांसी से पैदल बहराइच जा रहे भूखे प्यासे युवक अब पहुंचे लखनऊ। बोले, हालात ठीक होंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे गांव। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन के बीच लखनऊ को ऐसे दृश्य देखने पड़ रहे हैं जो इस शहर ने कभी नहीं देखे। बेवसी और लाचारी के बीच लॉकडाउन में भूखे, बीमार और हालात के मारे लोग बिना यातायात के साधन के पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर एक से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में शहीद पथ पर पैदल जा रहे युवक अभय बोला, पिछले 5 दिन से लगातार चल रहे हैं, अभी बहराइच तक जाना है। सड़क पर साधन है नहीं, अगर कोई मिला भी तो हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है, लिहाजा पैदल ही जा रहे हैं। अभय कहता है कि शहर के चकाचौंध अब जिंदगी भर डराएगी, जब कोरोना का डर खत्म हो जाएगा तब भी गाँव नहीं छोड़ेंगे। 2 की जगह 1 टाइम का खाना भी गाँव में मिला तो सुकून से जी लेंगे। लॉकडाउन में फंसे यूपी बिहार के मजदूरों ने बदल डाली सरकारी स्कूल की सूरत। लॉकडाउन के कारण बीच रास्ते में फंसे यूपी बिहार के मजदूरों ने अपनी मेहनत से एक स्कूल की सूरत बदलकर सकारात्मक सोच का एक नायाब उदाहरण पेश किया है। ये मजदूर लॉकडाउन में राजस्थान के सीकर जिले में फंस गए थे। इन सबको जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कस्बे फलसाना के सरकारी स्कूल में बनाए गए पृथक केंद्र में ठहराया गया था। फलसाना कस्बे के शहीद सीताराम कुमावत और सेठ केएल तांबे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं। ये सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और क्वारंटीन की अवधि भी पूरी हो गई है। मजदूरों ने बताया कि क्वारंटीन के दौरान सरपंच और गांव के दानदाताओं ने उनके रहने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की थी। वो इस व्यवस्था से इतना खुश थे कि बदले में गांव के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने बीते शुक्रवार को सरपंच से रंग रोगन का सामान लाकर देने की मांग की। मजदूरों ने विद्यालय में रंगाई और पुताई कर स्कूल को ऐसा चमका दिया कि प्रशासन भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका और कहा कि उनका यह कार्य अन्य केंद्रों के लिए रोल मॉडल है। लॉकडाउन में बंद दुकानों से बिक गए 10,000 स्मार्टफोन। लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 माह से दवा और किराना को छोड़कर सभी तरह की दुकानें पूरी तरह से बंद है, लेकिन इस दौरान मोबाइल की बिक्री खूब हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोरखपुर शहर में लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों से 10,000 से ज्यादा स्मार्टफोन की बिक्री हो गई है। कई दुकानों का स्टॉक खाली हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल बिक्री की मुख्य वजह ऑनलाइन पढ़ाई बताई जा रही है। हालांकि फोन खरीदने वालों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की भी है। गोरखनाथ के एक दुकानदार ने बताया कि उनके पास 72 स्मार्टफोन थे जो कि बिक चुके हैं। लोगों ने बच्चों के भविष्य का हवाला देकर मोबाइल लिया है। वहीं मियां बाजार के एक मोबाइल विक्रेता ने बताया कि 2 सप्ताह पहले 2 सिपाही घर पर पहुंच गए। पुलिस के दबाव में दुकान खोलकर मोबाइल बेचना पड़ा। इसके बाद तो पुलिस वालों ने भी 21 सेट खरीद डाले। गर्ल्स स्कूल के स्टडी ग्रुप पर डाला अश्लील मैसेज, दर्ज हुआ मुकदमा। गोरखपुर इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील मैसेज डाले जाने के मामले में प्रधानाचार्य नाहिद आसिफ ने तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस इस मामले में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं आपत्तिजनक मैसेज डालने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है। लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। शिक्षिका रीता मौर्य ग्रुप पर छात्राओं को गृह विज्ञान पढ़ा रही थी। इसी बीच ग्रुप पर किसी ने अश्लील मैसेज डालना शुरू कर दिया। इनमें 2 वीडियो और 2 टेक्स्ट मैसेज थे। शिक्षिका ने तत्काल इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को दी। उन्होंने इसकी जानकारी DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया को दी। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। गंगा से जुड़े सवालों के जवाब दो, इनाम पाओ, प्रतियोगिता शुरू। लॉकडाउन के दौरान खाली वक्त में जल शक्ति मंत्रालय आपके लिए गंगा क्वेस्ट क्विज लेकर आया है। नमामि गंगे के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में किसी भी स्कूल के 10 साल से ऊपर आयु वर्ग के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो गई है। प्रतियोगिता की शुरुआत विश्व धरती दिवस से होकर 25 मई विश्व जैव विविधता दिवस तक चलेगी। इसके विजेताओं की घोषणा 5 जून 2020 को की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष में विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। कोरोना की दहशत ऐसी कि लॉकडाउन में घर लौटे बेटे को नहीं दिया प्रवेश, बाहर गुजारी रात। मैनपुरी में नोएडा से घर आए युवक को परिवार के लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। घर के बाहर 5 मीटर की दूरी पर उसकी चारपाई डाल दी गई। पूरी रात युवक घर के बाहर लेटा रहा। बुधवार की सुबह परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में उसको जांच के बाद घर में ही परिवार के सदस्यों से अलग रहने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया। शहर के मोहल्ला मिश्राना निवासी अनुराग उर्फ टीटू दिवाकर नोएडा के सेक्टर 16 में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। लॉकडाउन के चलते 18 अप्रैल को ठेकेदार ने उसको कंपनी से निकाल दिया।
नोएडा से वह ट्रक से 19 अप्रैल को आगरा तक पहुंचा। 21 अप्रैल की शाम करहल एक्सप्रेस वे तक पहुंच गया और वह पैदल ही मैनपुरी के लिए चल दिया। रात 1 बजे वह घर पहुंच गया। जब उसने दरवाजा खुलवाया तो परिवार के लोगों ने उसको घर में नहीं घुसने दिया। संवेदनहीनता की हद। बीच रास्ते पर बहन को अकेला छोड़ा। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में जहां सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं, वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भाई बहन के रिश्ते पर से विश्वास उठा दिया है। बिहार निवासी जमशेद अपनी बहन नाजो परवीन को सोमवार देर रात बीच रास्ते में छोड़कर पत्नी संग बाइक से दरभंगा निकल गया। मंगलवार सुबह बदहवास हालत में युवती को देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने खाना खिलाने के बाद CHC में युवती का परीक्षण कराया। इसके बाद जीवन आश्रय गृह भिजवाकर उसके पिता को सूचना दी। इंस्पेक्टर गौदीन शुक्ला के मुताबिक मूल रूप से बिहार के दरभंगा का जमशेद छोटी बहन नाजो परवीन को कुछ माह पहले काम दिलाने की बात कहकर लखनऊ लाया था। 4 विधायकों ने वापस ले लिया कोरोना वायरस से लड़ने को दिया पैसा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वर्ष 2019-20 की निधि से दी गई राशि वापस लेने के मामले में विधायकों ने सफाई दी है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए ही वर्ष 2020-21 की पूरी निधि स्थगित कर दी है। ऐसे में पिछले वर्ष का बकाया निधि से क्षेत्र में विकास के छोटे छोटे कार्य कराने में मकसद से उन्होंने पूर्व में दी गई राशि वापस ली है। बदलापुर विधायक रमेश चंद मिश्र का कहना है कि इससे गरीबों के उपचार, हैंडपंप, विद्युतीकरण, संपर्क मार्ग जैसे अन्य छोटे छोटे कार्य कराए जा सकेंगे। उधर केराकत विधायक दिनेश चौधरी ने भी धनराशि वापस लेने के पीछे यही तर्क दिया है। उनका कहना है कि इस धनराशि से क्षेत्र में विकास के ही अन्य कार्य कराए जाएंगे। कोरोना को हराने की लड़ाई में वह तन मन धन से पूरी तरह सरकार के साथ हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज से फरार नहीं हुए थे 12 मरीज। कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई तो पहुंच गए घर, दोबारा कराए गए क्वारंटीन। मेरठ मेडिकल कॉलेज से मरीजों को फरार होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। छानबीन हुई तो पता चला कि इनमें से 9 मरीज जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बिना बताए घर चले गए थे, जबकि एक मेडिकल में ही क्वारंटीन है और एक अन्य को सुभारती मेडिकल कॉलेज भेजा जा चुका है। वहीं एक के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने बताया कि डॉक्टर TVS आर्या इसकी जिम्मेदारी देख रही है। उन्होंने 12 लोगों के नाम भेजे थे। लॉकडाउन में घर से बाहर निकले तो हो सकता है ये हाल। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते पुलिस ने लॉकडाउन और सख्त कर दिया है। शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस सबक सिखा रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। गुमती क्षेत्र में बिना पास लिए घूम रहे लोगों को बीच सड़क पर पुलिस ने मुर्गा बनाया तो वहीं लड़कियों को हाथ ऊपर कर खड़ा किया, बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। किदवई नगर स्थित गौशाला चौराहे पर पुलिस ने फालतू घूम रहे लोगों को सबक सिखाया, साइकिल उठाकर चलवाया। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां चलाने चालान करने के बजाय पुलिस ने उनकी आरती उतारी और फल बांटा। लॉकडाउन में लॉक हुए 1,000 करोड़ के कपड़े, कारोबारियों की उड़ी नींद। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने लखनऊ के करीब 1,000 रेडीमेड कपड़ों के कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। रमजान और समर सीजन में होने वाली बिक्री के लिए इन्होंने स्टॉक पहले से ही जुटा लिया था, लेकिन अब यह शोरूम और उनके गोदामों में बंद पड़ा है। रेडीमेड के ब्रांडेड डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर व रिटेलर और अनब्रांडेड होलसेलर कारोबारियों के शोरूम में करीब 1,000 करोड़ रुपए का रेडीमेड का स्टॉक अटका पड़ा है। इन कारोबारियों ने ग्राहकों व रिटेल कारोबारियों के लिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, लुधियाना से रेडीमेड आइटम का फरवरी से मार्च तक का स्टॉक जुटाया था। खास तौर पर रमजान के होलसेल के जिस अनब्रांडेड रेडीमेड को अब तक बिक जाना था वह स्टॉक ट्रांसपोर्ट नगर से शोरूम तक नहीं पहुँच सका है। लखनऊ रेडीमेड एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और कारोबारी राकेश छाबड़ा पम्मी ने बताया कि यहियागंज, अमीनाबाद सहित अन्य बाजारों की 500 से अधिक होलसेल कारोबारियों ने लगभग 40 लाख रुपए का रेडीमेड खरीदा है। लॉकडाउन में बेटे बहू के लिए चुनौती बना बुजुर्गों के साथ तालमेल बैठाना, बहुओं ने की सास की शिकायत। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन भले ही सबसे जरूरी हो, लेकिन इसके चलते घर पर रह रहे बुजुर्ग और बच्चे चिड़चिड़ेपन हो रहे हैं। बेटे बहू पोते पोतियों के लिए घर के बुजुर्गों के साथ सामंजस्य बैठाना एक चुनौती बन गया है। रोजाना की बंधी बधाई दिनचर्या में एक स्वस्थ और पढ़ा लिखा इंसान भी खुद को हालातों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कैसे बुजुर्गों की दशा को समझा जा सकता है। काउंसलर डॉक्टर रश्मि सोनी कहती हैं कि हेल्पलाइन पर लोग फोन कर रहे हैं, कम से कम 100 मामले हर रोज आ रहे हैं।
जिनमें बुजुर्गों के मामले 20 से 30 फीसदी है। राजाजीपुरम निवासी एक जाने माने कॉलेज में शिक्षिका के पद पर कार्यरत महिला ने फोन कर बताया कि इन दिनों पति और बच्चे घर पर हैं, पति का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा घर का काम बढ़ गया है। ऐसे में सासू माँ हर वक्त चिड़चिड़ाती और टोकती रहती हैं, उनकी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, क्या करें। डॉक्टर नेहा आनंद कहती हैं कि इसके अलावा बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो इन दिनों रामायण महाभारत जैसे सीरियल आ रहे हैं उसे देखें, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए परिवार के सदस्यों दोस्तों से जुड़े रहें। डॉक्टर रश्मि के मुताबिक घर के बुजुर्गों की दिनचर्या तय करें, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें, जो काम उनके साथ बैठ कर किया जा सकता है वो काम उनके साथ करें, उन्हें अकेला न रहने दें। सब्जी में हल्दी न डालने पर नाराज पति ने पत्नी को पीटा, रिपोर्ट दर्ज। हरदोई जिले के संडीला में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सब्जी में हल्दी न डालने से नाराज पति ने अपने पत्नी की पिटाई कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी कोतवाली जा पहुंची। पत्नी की तहरीर पर पति के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना के बाद से पति फरार है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलई मजरा अटसलिया निवासी रेशमा का विवाह कोतवाली क्षेत्र के ही ग्राम देवराई निवासी कुलदीप के साथ 4 वर्ष पूर्व हुआ था। रेशमा अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इसके कारण शादी के बाद से कुलदीप भी बिलई में ही रहने लग गया था। कोतवाल जगदीश यादव ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाल ने बताया कि घटना के बाद से रेशमा का पति कुलदीप फरार है। किसान के खेत में आसमान से गिरा बर्फ का 12 किलो का टुकड़ा, ग्रामीणों में बना कौतूहल। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक किसान ने अपने खेत में बर्फ का भारी भरकम टुकड़ा गिरने का दावा किया है। किसान इस बर्फ के टुकड़े को उठाकर अपने घर ले आया, जहां ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग को भी इस संबंध में सूचना दे दी गई है। जिले के नीरपुरा गांव में किसान ब्रह्मपाल सिंह का दावा है कि उसके खेत में बुधवार को बर्फ का भारी टुकड़ा आसमान से गिरा। इस टुकड़े को उठाकर वह घर ले आया। यहां टुकड़े का वजन किया गया तो यह 12 किलोग्राम का निकला। आसमान से बर्फ का टुकड़ा गिरने की जानकारी लगते ही ग्रामीण इसे देखने के लिए किसान के घर पहुंच गए। वहीं लोगों ने इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल की। मौसम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस से बहस कर सकते हो, मुझसे नहीं, यम है हम। नियमों का पालन करो, नहीं तो मेरे संग यमपुरी चलो। लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। औरैया जिले में बुधवार को यमराज का रूप धारण करके एक युवक ने पुलिस प्रशासन के साथ लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कहते हुए पास लेकर निकल रहे लोगों को भी चेताया। यमराज का रूप धारण किया युवक ने लोगों से कहा कि कोरोना किसी भी पास को नहीं मानता। कहा कि तुम पास दिखाकर पुलिस को समझा सकते हो, लेकिन यमराज को नहीं। अपने परिवार और खुद से प्यार है तो लॉकडाउन तक घर में ही कैद रहो। औरैया शहर के ब्रह्मनगर मोहल्ला निवासी अंबुज वाजपेयी ने यमराज का रूप धारण कर पुलिस प्रशासन के साथ चौराहों और मुख्य मार्गों पर बाइकों, पैदल और गाड़ियों से निकल रहे लोगों को रोका और समझाया कि यम है हम, नियमों का पालन करो, नहीं तो मेरे संग यमपुरी चलो। सुबह सुभाष चौक पर पहुंचे यमराज की वेशभूषा धारण किए इस युवक ने लोगों को डायलॉग सुनाकर चेताया। बता दें कि अंबुज वाजपेयी बीके एंटरटेनमेंट बैनर के तले बनी पुलिस की लगाम शॉर्ट मूवी में यमराज का किरदार अदा कर चुके हैं। कोटा के छात्रों की तरह अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को भी घर पहुंचाए केंद्र सरकार, मायावती। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को घर वापस लाया गया, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाए और उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन ने सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में भी लाखों गरीब और प्रवासी मजदूर बेरोजगारी व भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है तथा वे हर हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तथा लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन करते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों और बसों से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराए, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने हेतु किया गया है। कोरोना में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 जोड़ी जूते देंगी प्रियंका चोपड़ा। इस मुश्किल समय में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और जरूरी सरकारी सेवाएं लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 जोड़ी जूते देने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने आगे लिखा, उनके काम की प्रकृति के कारण उनके लिए अपने लिए जूते और कपड़े खुद साफ करना बहुत मुश्किल है। हमें खुशी हो रही है कि इस पेशकश करने में हम सक्षम हैं। लॉस एंजल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स को 10,000 जोड़ी जूते और पूरे भारत में सार्वजनिक सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर पेशेवरों को 10,000 से ज्यादा जूते दिए जा रहे हैं।
महिंद्रा के यूवी 100 NXT BS6 भारत में हुई लॉन्च। महिंद्रा ने अपने माइक्रो SUV KVU 100 NXT को BS6 मानकों के मुताबिक लॉन्च कर दिया है। कंपनी के पोर्टफोलियो में XUV 300 और बोलेरो के बाद यह तीसरी कार है जिसे BS6 मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है। डीलरशिप में इस कार की बुकिंग पहले से ही चालू है और अब इसकी कीमतों का खुलासा भी हो गया है। हालांकि अभी इस कार की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कार की डिलीवरी चालू हो जाएगी। अब बात करें कीमत की तो महिंद्रा KUV 100 NXT BS6 के दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,54,000 से शुरू होती है। इस मिनी SUV के BS6 अवतार में पेट्रोल मॉडल के लिए 22,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं इस कार के डीजल वेरिएंट को बंद कर दिया गया है। कंपनी ने इसके बेस्ट K2 मॉडल को भी बंद कर दिया है और KUV 100 NXT लाइनअप अब K2 प्लस वेरियंट से शुरू होता है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।